बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं किसानों की, क्योंकि किसानों की मेहनत ही मजबूत भविष्य की नींव है। यानी हमारे देश की प्रगति में किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ऐसे किसानों की कहानियाँ पहुँचाते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीक को अपना रहे हैं और अपने लिए कामयाबी की राह को आसान बना रहे हैं। ये किसान मछली पालन, पशुपालन, कृषि स्टार्टअप या फिर खेती से जुड़े हुए किसान होते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले मनोज कुमार के बारे में। जी हाँ, मनोज कुमार खास तौर पर जैविक तरीके से मोटे अनाज की खेती करते हैं। इसके अलावा पशुपालन के माध्यम से जैविक उत्पाद भी बाजार तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला यूं तो राजनीतिक हलचलों के मामलों में काफी आगे है, लेकिन यहां के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गंग नहर के किनारे बसे होने के कारण यहां सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिलता है। खेतों में फसलें भी प्रचुर मात्रा में उगाने में किसानों को महारत हासिल है, लेकिन यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसी कारण मनोज पिछले 20 साल से जैविक खेती और पशु पालन प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। इस बारे में मनोज कहते हैं, मैं प्राकृतिक खेती पिछले 15-20 साल से कर रहा हूं। जैविक खेती गौ आधारित जैविक खेती कर रहा हूं सर, और जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध है प्रकृति के द्वारा उसी से खेती कर रहा हूं। और हम अपने खेतों में जो लगभग करीब जो है 12 एकड़ ज़मीन मेरे पास है, और उसके अंदर मैं जितनी भी दलहन तिलहन खाद्यान्न की फसलें ले रहा हूँ, जिसमें बाजरा है, ज्वार है, ये तो, और ये आपका जो है आपके हल्दी हैं, और गेहूँ हैं, सरसों है, और धान हैं, जितनी भी मतलब फसलें हैं, और जो वो सारी फसलें मतलब हम लेते हैं अपने यहाँ जो है। मैं प्राकृतिक खेती पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ। जैविक खेती गौ आधारित जैविक खेती कर रहा हूं सर, और जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध है प्रकृति के द्वारा उसी से खेती कर रहा हूं। और हम अपने खेतों में जो है लगभग करीब जो है 12 एकड़ ज़मीन मेरे पास है, और उसके अंदर मैं जितनी भी दलहन तिलहन खाद्यान्न की फसलें ले रहा हूँ, जिसमें बाजरा है, ज्वार है, ये तो, और ये आपका जो है आपके हल्दी हैं, और गेहूँ हैं, सरसों है, और धान हैं, जितनी भी मतलब फसलें हैं, और जो वो सारी फसलें मतलब हम लेते हैं अपने यहाँ जो। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है, और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है।
लेकिन बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए रसायनों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। रसायनों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके अधिक प्रयोग के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। सरकार के प्रयासों के कारण एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में केंद्र में आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, कृषि की ऐसी पद्धतियां हैं जिनमें लागत ना के बराबर होती है, या फिर ये कहें कि जैविक खेती में आपको उन्हीं तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि आपके खेत या फिर गांव में उपलब्ध हैं। इससे किसानों की लागत भी घटती है और उन्हें शुद्ध उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग भी होती है। आइए जानते हैं कि कैसे मनोज कुमार ने इस पद्धति का इस्तेमाल किया और कामयाबी हासिल की। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गौवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केंचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता। खेत में जैविक खेती के फायदों को जान कादराबाद के किसान मनोज कुमार पिछले 20 साल से जैविक खेती ही कर रहे हैं। इसके लिए वे प्राकृतिक संसाधनों और गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उपयोग जैविक और वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं। गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के लिए मनोज ने 8 गायें भी पाल रखी हैं। उन्होंने गोबर के बेहतर उपयोग के लिए वर्मी यूनिट भी लगा रखी है। गोमूत्र का उपयोग वे पंचगव्य और जीवामृत बनाने में करते हैं। मनोज कहते हैं कि जैविक खेती तो गायों के बिना हो ही नहीं सकती। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4 बजे उठ कर पशुओं का जो साफ सफाई इनका करना, फिर इनका दाना पानी करना, दूध निकालना, उसके बाद खेत में जाना, इनको ले चारा लेके आना बस, और फिर शाम को फिर 3 बजे से फिर हम लग जाते हैं इनको पशुपालन में जो है। बाकी बीच में समय निकलता हो खेती में हम लग जाते हैं, जो हमारी प्राकृतिक खेती है क्योंकि वो भी सारी मैनुअली होती है तो उसमें मशीनरी का बहुत ही कम प्रयोग करना होता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं, प्रकृति से जो कुछ हमें उपलब्ध है वही हमें प्रयोग हम खेती में करते हैं अपनी में। जैसा कि अब हमारी गायें हैं जो हमें गोमूत्र देती है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और जो हमारा गोबर है कुछ तो हम पंचगव्य और जीवामृत में चला देते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम वर्मी बनाते हैं अपने यहाँ। अपनी वर्मी यूनिट लगाई हुई है, सारे बाकी गोबर का वर्मी तैयार करते हैं। खेती गायों के बिना तो हो ही नहीं सकती, जैविक खेती तो बिना गायों के हो ही नहीं सकती क्योंकि इनका गौमूत्र और गोबर के द्वारा ही खेती की जा रही है, और पशु खेती से जो उपलब्ध हो रहा है वो पशुओं को खिलाया जा रहा है। इसमें जो बीच में हम मेहनत करते हैं उसके बीच का जो भी है वो हम अपना उस निकालते हैं। उसका जो है हमारे परिवार से जो भी मतलब हम अपने इस्तेमाल करने के जो परिवार का भरण पोषण के बाद जो हमारे पास उत्पाद बचते हैं वो हमारे सामान्य उत्पाद से अच्छे कीमत में चले जाते हैं और हमें कहीं बेचने में जाने नहीं पड़ा। जिन लोगों को मालूम है कि भाई उनके यहाँ प्राकृतिक हो रही है वो अपने आप ही आके ले जाते हैं।
जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है। स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने के कारण जैविक उत्पादों के दाम भी बेहतर मिलते हैं। किसान को बाजार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लोग घर से ही उत्पाद खरीद लेते हैं। मनोज बताते हैं कि वे देशी गाय के दूध से घी बनाते हैं, जो बाजार में 2200 रुपए किलो के हिसाब से बिक जाता है। एक गाय से मनोज को सालाना 50,000 से 60,000 रुपए का फायदा होता है। हमारी गाय जो पूरे साल में मतलब 1500 से 2000 लीटर दूध देती है एक भी आत में जो है, और इनके फैट प्रतिशत इनका 5% होता है। उसी हिसाब से जो है एक गाय से जो है मतलब करीब हम 25 किलो दूध को उबाल के पका के बिलोकते हैं, तब जाके 1 किलो घी हमारा प्राप्त होता है हमें। तो इसी प्रकार जो है अब आप ये लगा लिए करीब जो है एक साल में हम एक गाय से तो 25 जो है करीब जो है 60 से 70 50 60 किलो घी मिलता है उसमें जो है। तो घी रेट जो है जो हमारा घी है वो 2000 से 2200 के रेट में देसी गाय का जो हमारा जो है चला जाता है। इसमें टोटल जो है मान के चलो कि आप जो कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो उसका खर्चा निकाल कर उससे निकाल कर करीब 50-60 हज़ार रुपये एक गाय जो है नेट बच जाता है उनके, जो खाने पीने पर जो भी हमारी उसमें लगता है वो भी खर्चा होता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सफल किसान में हम आपको लेकर चलेंगे मनोज कुमार के खेतों की तरफ। जानेंगे कि कौन कौन सी फसलें वो उगा रहे हैं और कैसे उन्होंने जैविक खेती को अपनाया है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सफल किसान। भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। महात्मा, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है एकम सत्य विप्रा बहुदम वदन्ति, सत्य एक है परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं ऐसे किसान के बारे में जो कि पूरी तरह से अब जैविक खेती को अपना चुके हैं। जी हां, ये है गाजियाबाद के मनोज कुमार। मनोज कुमार कामयाब इसलिए हो सके क्योंकि उन्होंने रासायनिक खेती से तौबा कर लिया और अब पूरी तरह से जैविक खेती की राह पर आगे बढ़ चले हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्हें इस क्षेत्र में सहयोग प्राप्त हो रहा है। जैविक खेती करने वाले मनोज के पास 12 एकड़ जमीन है, जिसमें वे दलहन तिलहन खाद्यान्न फसलों के अलावा मिलेट्स का भी उत्पादन करते हैं। उनके खेत में लगी हल्दी गन्ना और बाजरे की फसल उनकी सूझबूझ की गवाही देती है। खेत में लगी सरसों को कोल्हू में पेर करके मनोज तेल भी निकालते हैं और तेल निकालने के दौरान मिलने वाली खली का प्रयोग पशुओं को खिलाने में करते हैं। रवि में अब हमारे यहाँ जो है जो तिलहन की है सरसों है, जिसमें पीली सरसों है काली सरसों है, और गेहूं है जिसमें हम जो गेहूं देसी गेहूं बोते हैं उसमें जो है गेहूं की और काला गेहूं है हमारे पास जो है। उसके बावजूद गेहूं के बाद में हम जो इसमें ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और कुछ में हमारे गन्ना है प्राकृतिक जो है, और कुछ में कुछ हम जो धान उगाते हैं। सरसों हम काली और पीली दोनों तरह की सरसों उगाते हैं और उसका हम प्रोसेसिंग करा के तेल निकलवाते हैं, निकालते हैं ठंडा तेल निकालते हैं कोल्हू में जी।
गेहूं की फसल के लिए मनोज अपने द्वारा बनाए गए बीजामृत और जीवामृत का उपयोग करते हैं, जिससे फसल बेहतर हो। जैविक खेती में किसी प्रकार से भी रसायन का प्रयोग ना हो, इस बारे में मनोज पूरा ध्यान रखते हैं। खेत में तैयार होने वाली फसलों की बढ़वार और खरपतवार नियंत्रण के लिए वे पुराले उपलों से प्राकृतिक रसायन भी बनाते हैं। इनके द्वारा उपले से तैयार रसायन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसल की बढ़वार में मदद करते हैं। इस बारे में मनोज कहते हैं, हम जैसे जो हमें गेहूं की फसल उगाएंगे अब जो है, तो एक एकड़ के लिए हम जो 50 किलो गेहूं लेते हैं, तो उसको लाइन में बिजाई करते हैं उसकी जो है, और पहले तो हम उसको जीवामृत बीजामृत द्वारा उसको उपचारित करते हैं, जिसमें जो बीजामृत हमारा गौमूत्र और गोबर और चूने से हमारा तैयार होता है, उसको हम तैयार करके उसका बीज उपचार करते हैं। उससे खेत की पहले तो हम खेत की तैयारी करते हैं, तो खेत की तैयारी में हम वर्मी अपना डाल देते हैं ज़मीन में। उसके बाद बुआई करते हैं, और बुआई करने के बाद जब हम पहले कोर उगाते हैं उसके साथ हम जीवामृत चलाते हैं जी, और एक एक एकड़ के लिए हम 200 लीटर जीवामृत जो है तैयार करके जो चलाते हैं, और हर पानी पे हम जीवामृत चलाते हैं। बीच बीच में हम अपने जो भूमिक एसिड भी तैयार करते हैं, जो हमारे पूरे पुराने उपले होते हैं गन्ने जो है गायों द्वारा तैयार करते हैं, जो उपला तैयार करते हैं 2-3 साल पुराना, उसको हम जो है 8 से 10 दिन के लिए उसमें भिगो देते हैं ड्रम में पानी के अंदर। उसमें डालने के बाद उसके बाद जो उसको उपले निकाल देते हैं बाहर उसको, और उसमें जो है बेसन है और गुड़ है और ये दोनों दो तीन चीज़ डाल के उसमें जो हम उसको तैयार करते हैं 8 दिन के लिए, फिर उसमें पानी के साथ उसको चलाते हैं जी, जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसको और जो फसल के बढ़वार के लिए भी जो है वो काम करता है। एकीकृत खेती से खेत की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसे जानकर मनोज खेत में एकीकृत खेती करते हुए गन्ना, हल्दी, चारा फसलों के साथ साथ मिलेट्स फसलों, बाजरा, ज्वार और रागी का भी उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होती है और पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। पशुओं के लिए चारा बोते हैं जी, चारे में हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, चारा तो केवल बुआई करके बीजामृत से ट्रीट करके उसको जो है उपचारित करके और जो फिर उसको हम बो देते हैं, फिर हमें केवल पानी देने होते हैं, चारे में हम कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं करते किसी प्रकार की जो है। इसी प्रकार हम बाजरा बोते हैं जैसे, तो बाजरे में भी हम कोई मतलब किसी प्रकार का कोई खाद या फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते। इसी प्रकार हम जो है एकीकृत प्रणाली के तहत एक ही फसल के उस पे ना रह करके अन्य फसलों को भी हम जो है एक साथ उगाते हैं, जिसमें कि मान लो एक फसल का अवशेष दूसरी फसल में काम आ सके। जैसे हम हल्दी उगाते हैं और अन्य फसलें भी हैं जो है तुम्हारे दलहन है, तिलहन है, और जो आपके जो है दलहन में मसूर भी उगाते हैं, और जो आपके जो उड़द मूंग भी उगाते हैं, और धान में हम धान उगाते हैं, रागी उगाते हैं, ये फसलें भी हम इसके साथ साथ मतलब उगाते हैं उसमें फसलों में जो है, जिससे कि हमारा एक फसल मान लो कोई फसल किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो दूसरी फसल में हमारा जो उसका जो औसत निकल जाए। अब जैसे हल्दी है, अब हल्दी को हम जो अपना प्रोसेसिंग करते हैं अपनी उसकी हल्दी को फरवरी के महीने में हम लगाते हैं, फरवरी मार्च में, और फिर फरवरी मार्च में लगती है हमारे यहाँ हल्दी, और फरवरी में इसकी को हार्वेस्ट करके प्रोसेसिंग करके इसको पिसाई करके फिर मार्केट में बेच देते हैं इसकी जो है। आज के दौर में पारंपरिक फसलों की जगह मोटे अनाजों की खेती के प्रति किसानों को मोड़ने में कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका है। खेतों में पैदा होने वाले जैविक उत्पादों और मोटे अनाजों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मनोज कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल कर बेहतर उत्पादन कर रहे हैं। वे युवाओं को भी सलाह देते हैं कि युवा नौकरी के पीछे भागने की बजाय जैविक खेती करें तो उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है। जैविक खेती के लिए मनोज को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। समय समय पर सर हमें जो कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हमारे अगर खेती में कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसकी समाधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारा मुरादनगर गाजियाबाद में है, वहाँ वे लोग हमारे बहुत सहयोग करते हैं और खेतों पे आके हमें कोई अगर दिक्कत आती है उसका समाधान कराते हैं। मेरा तो मानना ये है कि जिस प्रकार युवा हमारे जो है 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए दूसरे के यहाँ जाते हैं, इससे तो बढ़िया है कि अपने यहाँ अपने ही खेतों में प्राकृतिक खेती करके
अच्छी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनसे की सलाह लेकर के एक अच्छी उपज लेकर उसको अपने ही उत्पाद को प्रोसेसिंग करके उसको जो है मॉडिफिकेशन करके अपने मार्केट में लेके आए बेचें तो उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और युवा जो है इधर उधर भटकने से अच्छा अपनी खेतों में लगें और अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे मनोज कुमार को कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग मिला। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे और मेरे वासु के बीच कभी नहीं आओगी। इस लड़की को डिवोर्स दे दो और अपने नई जिंदगी की शुरुआत करो। लगता है इसने अपना दिमाग बेच दिया है। इस बार वो नहीं बचनी चाहिए, बेहोश तो खत्म करो उसे। आप इस हद तक गिर जाएंगे हमें नहीं पता था। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के मनोज कुमार की, जो कि अब जैविक खेती करते हैं। लेकिन जैविक खेती के इस राह में उन्हें अच्छा सहयोग मिला यहाँ के केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र से। कैसे यहाँ वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनका सही मार्गदर्शन किया, कौन कौन सी जानकारियाँ उन तक पहुँचाई, आइए जानते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। गाजियाबाद में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को जैविक खेती और मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बारे में केवीके गाजियाबाद में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार बताते हैं। हम सर्वप्रथम चाहे मिलेट्स हो, चाहे हमारी प्राकृतिक खेती हो, चाहे जैविक खेती से संबंधित या उद्यान से संबंधित या पशुपालन से संबंधित जिस प्रकार का भी हमारे किसी किसान का हित है या इंटरेस्ट है उसी के अनुकूल हम उसी के पत्ती तैयार करते हैं। सर्वप्रथम हम विभिन्न जागरूकपरक कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों का चयन करते हैं कि कौन किसान हमारा मिलेट्स पे चाह रहा है, कौन किसान हमारा पशुपालन पे चाह रहा है, फिर उनको अलग अलग ग्रुप में समाहित कर हम उनके स्पेशल कौशल विकास एवं रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के पश्चात उनको उद्यमिता विकास के लिए हम विभिन्न विभागों से जो भी योजनाएं हैं उनसे कोलैबोरेट कराते हैं, जिससे कि किसान भाई हमारा पशुपालक भाई आपस में सभी विभागों से समन्वय कर एकीकृत रूप में खेती कर सके। उसके पश्चात जब हमारा किसान भाई उस पर जागरूक होकर और तकनीकी संपर्क होकर उससे उद्यम से संबंधित अपना कार्य आरंभ करता है तो उसके विपणन के लिए भी हमने एक एफपीओ के माध्यम से या हमारा जैविक जितने भी संसाधन हैं उनके माध्यम से उनको जागरूक करते हैं। तो इसी क्रम में हमने अलग अलग विकास खंडों में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कुछ प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ किसान भाई हैं मनोज कादराबाद मोदी नगर के, उनके यहाँ जैविक और प्राकृतिक खेती तथा समन्वित पशुपालन पर प्रदर्शन आयोजित किया गया है, तो उसका भी हम और किसानों को भी दिखाते हैं जिससे कि किसान से किसान उत्प्रेरित हो और प्रदर्शन का समुचित प्रभाव हमारे किसान भाइयों पर पड़े। खेतों में मोटे अनाजों के उत्पादन और जैविक खेती के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कृषि के मामलों में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को जानकारी देने के लिए एजुकेशनल टूर आदि में भी ले जाती है।
मेहनत सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं होती है बल्कि पूरे देश के लिए होती है। और मनोज कुमार भी एक ऐसे ही किसान हैं जो कि शुद्ध भोजन हमारी थाली तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जैविक खेती के माध्यम से। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। सफल किसान, किसानों की सफलता की गाथाओं का कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि अन्य किसान भी प्रोत्साहित हो सकें। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सफल किसान के अगले अंक में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।